वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें दो कंपनीज हैं, हेल एंड स्नो। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हेल एंड इट्स सब्सिडरी स्नो एज एट 31 दिसंबर 2015। हमें जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसका डाटा गिवन है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो 68 मिलियन की हैं। करंट एसेट्स में कैश, ट्रेड रिसीवेबल और जो थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में ही होता है वो है स्नो का करंट अकाउंट, यानी हेल ने स्नो से कुछ पैसे रिसीव करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे शेयर होल्डर्स इक्विटी है जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, और फिर करंट लाइबिलिटीज हैं, और फिर हेल का करंट अकाउंट है यानी स्नो ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ होगा कि हेल को पेएबल कितने हैं उनकी तरफ से। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, थोड़ी डिटेल्ड है। इसके बाद जो डाटा मौजूद है उसमें यह बताया हुआ है कि स्नो के 50,000 शेयर्स थे इन इशू और हेल ने उसमें से 45,000 एक्वायर किए। अब देखें टोटल जो शेयर थे वो 50,000 थे और हेल ने जो एक्वायर किए वो 45,000 थे। इससे हमें जो परसेंटेज है वो पता चल जाती है कि 45,000 डिवाइड बाय 50,000 ये 90% शेयर बनेगा। एक्वायर किया था 1 जनवरी 2012 को, जबकि अब जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो 31 दिसंबर 2015 की है, यानी 4 ईयर्स का टाइम हो चुका है एक्वायर किए हुए। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। फिर एक्वायर जो किया है वो कॉस्ट है 65 मिलियन की, ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो 68 मिलियन की आ रही थी, जिससे ये बात पता चलती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट अदर देन सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। फिर रिजर्व्स का बैलेंस दिया हुआ है एक्विजिशन डेट पर यानी 1 जनवरी 2012 को। शेयर प्रीमियम का रिवैल्यूशन सरप्लस नहीं था, जीरो था, यानी जितना भी अब बैलेंस होगा वो पोस्ट होगा। रिटेन अर्निंग है, उसके बाद डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आखिर में ये बताया कि करंट अकाउंट का जो डिफरेंस है वो कैश इन ट्रांजिट की वजह से है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है, और इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम पहले स्टेप में अपने फॉर्मेट को बनाएंगे। पेरेंट कंपनी का नाम हेल है, हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2015। नॉन करंट एसेट्स को हम शो करेंगे, उसके बाद हम एक हेडिंग बना लेते हैं करंट एसेट्स की, उसके बाद इक्विटी के आइटम हैं और फिर लाइबिलिटीज के आइटम। तो इन आइटम्स को बनाने के बाद वर्किंग्स का फॉर्मेट बना लेंगे। तो वर्किंग्स में सबसे पहले हमने ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर हम 5 इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करते हैं, जैसे सब्सिडरी का नाम जो है वो स्नो है, एक्विजिशन डेट जिस तरह से हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दैट इज 1 जनवरी 2012, तो 4 ईयर्स का टाइम हो चुका है। पेरेंट की ऑनरशिप अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट की, क्योंकि 50,000 में से 45,000 शेयर लिए हुए हैं तो वो 90% अमाउंट बनती है जो हमने लेनी है, और 10% जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का रेशो। गुडविल का मेथड क्वेश्चन में कहीं कोई भी इंडिकेशन नहीं दी हुई, तो फेयर वैल्यू से रिलेटेड डाटा भी कोई नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पार्शियल गुडविल अप्लाई होगी। अब हम वर्किंग टू जो है वो टिपिकल 3 कॉलम के साथ, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर कितने हैं। फिर हम गुडविल की वर्किंग बनाएंगे और फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। और उसके बाद ग्रुप रिजर्व्स की। ग्रुप रिजर्व में रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग कॉलम, ये कंबाइन भी आप कर सकते हैं ग्रुप रिजर्व का नाम देके, लेकिन अगर सेपरेट करना चाहें तो वो अलग भी किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर अलग वाला बना रहे हैं। तो ये हमारी वर्किंग का फॉर्मेट भी बन गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब क्वेश्चन से हम स्टेप वाइज डाटा इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहले हम नॉन करंट एसेट्स को ले लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हम डायरेक्टली अभी वर्किंग थ्री में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 68,000 आ रही है, जबकि सब्सिडी वाली इन्वेस्टमेंट इससे कम है,
जो कि आगे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो उसकी एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे क्वेश्चन में बताए हुए 161,000 और 85,000 के, और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 68,000 की नोट कर लेंगे। इसके बाद करंट एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स को भी नोट कर लेते हैं। हमारे पास कैश की फिगर है दोनों तरफ, ट्रेड रिसीवेबल की है, स्नो के करंट अकाउंट की है और इन्वेंट्री की है। तो करंट एसेट्स को अब लिखते हैं। तो करंट एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम लिखेंगे तो हम पहले इन्वेंट्री को मेंशन कर लेते हैं 56200 और 36200। इन्वेंट्री के बाद रिसीवेबल्स ले लेते हैं, फिर कैश ले लेते हैं, और इसमें जो है करंट अकाउंट भी गिवन है लेकिन वो एंड में जीरो हो जाता है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी पढ़ने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर इसका बैलेंस मेंशन कर देते हैं 15,000। ये बाद में जो आपस के करंट अकाउंट्स होते हैं वो कैंसिल तो होने हैं इंट्रा ग्रुप आइटम के तौर पे, लेकिन फिलहाल हम शो कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम क्वेश्चन में मजीद चलते हैं और अब इक्विटी के आइटम देखते हैं। अच्छा, इक्विटी के आइटम में ये देखें कि जो पेरेंट का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है वो तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे, बाकी जो आइटम है सब्सिडरी के जितने भी ये रिजर्व हैं ये वर्किंग टू का हिस्सा बनेंगे, और जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग है ये बेसिकली वर्किंग फाइव का हिस्सा बनेगी। तो ये सारी फिगर्स अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं। पहले हम पेरेंट का शेयर कैपिटल लिख लेते हैं, उसके बाद पेरेंट की रिटेन अर्निंग, उसके बाद सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग की फिगर्स हैं वो सारी हम नोट कर लेते हैं। ये सब नोट हो गए। क्वेश्चन की तरफ मजीद चलते हैं। अब क्वेश्चन में फर्दर जो है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की फिगर है और हेल के करंट अकाउंट की फिगर, तो इन फिगर्स को भी नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज और करंट अकाउंट है 8,000 का। अब यहां पर देखें करंट अकाउंट मैच नहीं कर रहा, 15,000 आ रहा है एक तरफ और एक तरफ 8,000 आ रहा है, तो कोई ना कोई इन ट्रांजिट आइटम होगा जिसके बाद ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन देखें तो पहली बात जो हमें क्वेश्चन में पता चल रही है वो ये है कि जो सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो 65 मिलियन है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से हम इतनी अमाउंट माइनस कर देंगे। और इसको वर्किंग थ्री गुडविल की कैलकुलेशन का हिस्सा बना देंगे। फिर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें सारे रिजर्व्स के बैलेंस बताए हुए एक्विजिशन के टाइम पर। तो शेयर प्रीमियम 5,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 और रिटेन अर्निंग 10,000। तो ये फिगर्स भी हम नोट कर लेते हैं। वर्किंग टू में जाएं तो देखें कि शेयर प्रीमियम हमें बताया हुआ है 5,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस बताया हुआ है 0, रिटेन अर्निंग बताई हुई है 10,000। अब शेयर कैपिटल तो 50,000 है और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये 50,000 ही होगा एक्विजिशन डेट पर भी। यहाँ से हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन की फिगर पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में तो कुछ भी पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस सारे का सारा पोस्ट एक्विजिशन है क्योंकि एक्विजिशन डेट पर जीरो था। और रिटेन अर्निंग अगर देखें तो एक्विजिशन डेट पर 10,000 थी, अब 41,200 है, इसका मतलब है कि 31,200 थी। तो यहाँ तक हमें ये फिगर्स जो हैं इनकी डिटेल भी पता चल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और देखते हैं कि क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं, ये डिविडेंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बट इंटरेस्टिंगली ये नॉर्मल अकाउंटिंग ज़्यादा है, इसमें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट तो बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल पहला इशू ये बताया हुआ है, हेल ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 3 मिलियन का और जस्ट बिफोर द ईयर एंड, और स्नो ने किया है डिक्लेयर 1 of rupees 2 million ऑन सेम डे, नीदर कंपनी हैज येट रिकॉर्डेड। तो कंपनीज ने डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना उनकी डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है और ना उसकी डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड किया। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कैंसिलेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेन इशू ये है कि हमने डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है।
और फिर कंसोलिडेशन की तरफ आएंगे। पहले देखते हैं कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है। देखिए पहली चीज़ ये है कि पेरेंट कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक एडजस्टमेंट तो ये होगी कि पेरेंट कंपनी जब रिकॉर्ड करेगी तो उसकी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी 3 मिलियन से, और डिविडेंड पेएबल रिकॉर्ड करेंगे वो। दूसरे नंबर पे जो सब्सिडरी है वो अपना डिविडेंड रिकॉर्ड करेगी, सब्सिडरी रिकॉर्ड करेगी तो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 2 मिलियन से। अब जो सब्सिडरी का डिविडेंड है उसमें से 90% तो पेरेंट का भी है, तो पेरेंट को वो डिविडेंड मिलना है, ये थर्ड एडजस्टमेंट है। अब वो ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है ये है कि जी पेरेंट ने डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। 2 मिलियन का 90% बनेगा 1.8 मिलियन, तो पेरेंट कंपनी इसको अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेगी। जब पेरेंट कंपनी इसको अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेगी तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। जब रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी तो दूसरा इफेक्ट ये आएगा कि वो डिविडेंड रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अभी तक ये डिविडेंड पे बिल्कुल ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हुआ है तो पे रिसीव तो हुआ नहीं, तो डिविडेंड रिसीवेबल बनेगा। अब यहां तक जब बात आ जाएगी फिर इशू आएगा कंसोलिडेशन का, यानी ये इतनी जो एडजस्टमेंट है ये तो कंसोलिडेशन के बगैर है। तो पहले हम इन एडजस्टमेंट को करते हैं फिर कंसोलिडेशन में देखेंगे कंसोलिडेशन में क्या होना है। तो इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले पेरेंट कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं। तो पेरेंट कंपनी का जब हम डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे जो ग्रुप रिजर्व हैं वो कम हो जाएंगे और हमें डिविडेंड पेएबल जो है वो अपनी लाइबिलिटीज में शो करना चाहिए। फिर 3 मिलियन, 3,000, क्योंकि फिगर दिन 1,000 है पेरेंट का। फिर हमें सब्सिडरी का डिविडेंड शो करना चाहिए। अच्छा, सब्सिडरी का डिविडेंड जो है वो वर्किंग 5 में से नहीं, वो वर्किंग 2 में इफेक्ट होगा, क्योंकि सब्सिडरी की रिटेनिंग कहाँ है, वर्किंग 2 में। तो डिविडेंड का इफेक्ट ले लेंगे 2 मिलियन, और ये भी इसे भी फॉर द टाइम बीइंग डिविडेंड पेएबल के तौर पर रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो पेरेंट ने 1.8 मिलियन का डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, डिविडेंड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट बनेगा 1800, ये रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि पेरेंट की जो है ना इनकम बढ़ने से उनकी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें तो हमारी अब रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, अब जब ये रिकॉर्ड हो गई 90% के हिसाब से, अब कंसोलिडेशन की बारी आएगी। अब जब कंसोलिडेशन की बारी आएगी तो उसकी एडजस्टमेंट तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये है कि जो आपस का रिसीवेबल और पेएबल है वो कैंसिल होना चाहिए। जब सब रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो ये 1800 वो रिसीवेबल है जो पेरेंट ने सब्सिडरी से लेना है, और ये इस 2000 में शामिल है, तो अब इनकी एडजस्टमेंट होनी है। अब ये जो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट होगी वो बड़ी सिंपल होगी कि हम जो 1800 है वो यहाँ से भी कट कर देंगे और इस 2000 में से भी 1800 माइनस करके कैंसिल कर देंगे। तो ये कंसोलिडेशन की सिंपल एडजस्टमेंट है, इसके बाद काम खत्म। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो डिविडेंड रिसीवेबल था इसमें से हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपस का रिसीवेबल पेबल तो नहीं शो होना। अच्छा, इसी तरह ये इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, पेबल में है। अब पेबल में से सारा कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ वही कैंसिल होगा जो आपस का था, और ये जो बाकी 3200 है ये शो होगा। और ये बाकी 3200 क्यों शो होगा, क्योंकि देखें जो 3000 पेरेंट ने देना है वो इंटर ग्रुप नहीं है, वो क्यों कैंसिल करें, और सब्सिडरी ने भी जो 2000 देना है उसमें से 200 का एनसीआई वालों को देना है, वो भी इंटर ग्रुप नहीं है, वो क्यों कैंसिल करें। तो सिर्फ 1800 कैंसिल होना है, सारे का सारा कैंसिल नहीं होना, बाकी पेएबल के तौर पर शो होता रहेगा। रिसीवेबल सारा का सारा कैंसिल होकर जीरो हो गया, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही सिर्फ उतना हुआ था जितना सब्सिडरी से लेना था। अब ये जब आपने एडजस्टमेंट कर ली तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्दर क्या है। तो क्वेश्चन में फर्दर जो डिटेल है उसमें ये बताया हुआ है कि जो करंट अकाउंट्स में डिफरेंस है वो कैश इन ट्रांजिट की वजह से। तो करंट अकाउंट में जो डिफरेंस है वो कितने का है, पहले तो ये देखते हैं। करंट अकाउंट में डिफरेंस ये है कि 15,000 और इधर 8,000, तो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर इनको हम खत्म करना चाहते हैं तो 8,000 में से हमने 8,000 लेस किए तो ये हमारे पास ये कैंसिल होकर जीरो हो गया। दूसरी तरफ भी हम ये 8,000
कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा 15,000 कैंसिल करना है, बाकी जो 7,000 हम कैंसिल करेंगे वो इनफैक्ट कैश इन ट्रांजिट के तौर पर रिकॉर्ड। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ये दोनों कंबाइन करके 15,000 कैंसिल भी कह सकते हैं, कि पूरा 15,000 कैंसल्ड हो गया, जिससे ये वैल्यू 0 हो गया। तो अब क्योंकि हम क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, तो अब हमने सिंपली अपनी वर्किंग्स को कंप्लीट करना है। वर्किंग्स को कंप्लीट करके जो है वो फिर हम सिंपली टोटल्स की तरफ चलेंगे। अब हम वर्किंग्स क्योंकि कंप्लीट करने की बात करते हैं, तो एक्विजिशन डेट पर हमारे पास जो टोटल बनेगा वो 65,000 है, पोस्ट एक्विजिशन 49,200 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन डेट पे 114,200। अच्छा, अब गुडविल की बात करें तो ये क्योंकि पार्शियल गुडविल यहाँ पर अप्लाई होनी है, तो जो एक्विजिशन डेट पर वैल्यू है उसी से एनसीआई का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 65,000 का 10% एनसीआई है, तो हमें एनसीआई एट एक्विजिशन पता चल गया। यही अमाउंट जो है वो वर्किंग फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर भी लिखी जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट और एनसीआई का टोटल करते हैं। इसमें से हमने नेट एसेट और सब्सिडरी एट एक्विजिशन वर्किंग टू से लेस करने हैं, ये 65,000, ये वाले, ये इन्वेस्टमेंट वाले माइनस नहीं किए, नेट एसेट एट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन माइनस की। गुडविल एट एक्विजिशन आ गई, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लिख देंगे। उसके बाद ये जो 49,200 है इसमें एनसीआई वालों का हिस्सा भी है 10%, तो एनसीआई का टोटल आ गया 11,420। उसके बाद अगर हम देखें तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है और बाकी इफेक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग का है, डिविडेंड वाला भी रिटेन अर्निंग से रिलेट करता है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का 20,000 बनता है और रिटेन अर्निंग का 31,200 में से 2,000 लेस करके 29,200। तो इनका शेयर अगर हम शामिल करते हैं तो 20,000 वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले लेते हैं और बाकी 29,200 का रिटेन अर्निंग में 90-90%। तो हमारे पास पेरेंट की जो रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग की फिगर है वो भी आ जाएगी। इसको हम वर्किंग फाइव के रेफरेंस से शो कर देंगे। इसके बाद हमने सिंपली बाकी चीज़ों में टोटल करना है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसको टोटल करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, 68 में से 65 तो गुडविल में यूज हो गई, तो बाकी 3,000। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें हमारा नॉन करंट एसेट का टोटल हो जाएगा। उसके बाद हम इन्वेंट्री का टोटल करते हैं, रिसीवेबल का, कैश में कैश इन ट्रांजिट शामिल करके, तो ये सारा टोटल जो है ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट टोटल 526,100 बना इस साइड का। इक्विटी साइड पर अगर हम टोटल करते हैं तो इक्विटी का टोटल जो है वो 333,990 और फिर करंट लाइबिलिटीज हमारी आ रही हैं 183,000 की। इसमें डिविडेंड पेएबल की फिगर भी शामिल हो जाएगी, करंट अकाउंट तो जीरो हो चुका है, तो 186,200 और दोनों को टोटल करें इक्विटी और लाइबिलिटीज को तो हमारे पास टोटल आएगा 526,100 जो कि मैच हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर डिविडेंड से रिलेटेड थोड़ी सी ऐसी एडजस्टमेंट थी जिनको हमने एक्स्ट्रा भी रिकॉर्ड करना था, जो हमने आपके साथ फिर जर्नल एंट्रीज के साथ स्पेशली उसको डिटेल में जो है डिस्कस करके रिकॉर्ड किया है। हालांकि इसमें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कोई खास नहीं थी, दैट वॉज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।